मैंने यहाँ पे 4 अदद कच्चा केला लिया है, इसे मैं इस तरीके से कट कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें 1 लार्ज कप से पानी ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें 1 टेबलस्पून वाइट सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरीके से 1 विसल यानी कि 1 सीटी आने तक बॉईल कर लूँगी। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा केला बॉईल हो गया है, अब हम इसे पील कर लेंगे। तरीके से हम बाकी के केलों को भी पील कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा केला अब पील हो चुका है यानी कि छिला चुका है। अब मैं इसे इस ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा केला अब कद्दूकस हो गया है। दोस्तों मैंने इस कप के नाप से 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर आधी छोटी चमची डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून कैरम सीड यानी कि अजवाइन डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार सादा नमक, सफ़ेद नमक शामिल कर रही हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। दोस्तों हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अब मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ केला, कच्चा केला ऐड कर रही हूँ जिसे मैंने बॉईल किया था। दोस्तों अब मैं इसमें नॉर्मल वाटर ऐड करके इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लूंगी। दोस्तों अब मैं इसमें आधी छोटी चमची देसी घी अप्लाई करके इसे 1 घंटा रेस्ट होने दूंगी। दोस्तों 1 घंटा हो गया है, अब मैं इस आटे से पेड़ा बना लूंगी। इसके लिए मैंने पहले अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है। दोस्तों अब मैं अपने बेलन चौके के चौके पे थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, इस पर मैं अपनी पूड़ी को बेलने वाली हूँ। आप देख सकते हैं हमारी पूड़ी बिला गई है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे मस्टर्ड ऑयल में। दोस्तों हमें पूड़ी को ज़्यादा मोटा नहीं बल्कि थोड़ा पतला और गोल बेलना है। दोस्तों मैंने इस पैन में 8 से 10 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल जब बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें पूड़ी डाल के उसे फ्राई कर लूंगी। दोस्तों हमारा ऑयल अब गर्म हो गया, अब हम इसमें पूड़ी को डाल रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पूरी को अदर साइड टर्न कर दिया है, अब हम इस साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारी पूरी अब अच्छे से फ्राई हो गई है। दोस्तों
आप इसे फ्राई करने के बाद खाली तवे पे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह रख दें। इसमें जितना अनवांटेड ऑयल होगा सब ये तवा अब्सॉर्ब कर लेगा। दोस्तों तवे के बाद आप इसे टिश्यू पेपर में इस तरीके से डाल के रखें ताकि जो रिमेनिंग ऑयल तवे के बाद भी रह जाएगा वो टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर लेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी टेस्टी यमी केले की पूड़ी बनके तैयार है। Feel good!